हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ BHU पाठशाला। मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी और फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की डेली क्वेश्चन सीरीज, जो कि बायलिंगुअल फॉर्म में चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्की शेयर्स बॉर्डर विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी बुल्गेरिया, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी अजरबैजान एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि टर्की किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है ना। तो इसका कारण ये है कि एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले एक कंट्री है आर्मेनिया, हाँ, आर्मेनिया का एयरक्राफ्ट कहीं जा रहा था और उस पर सडन अटैक जो है वो टर्की ने कर दिया। अब उसका क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि लास्ट डेज आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया था और ये कई सारे बॉर्डर्स में उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी बीते दिनों में। लेकिन इसका कारण ये था कि उस समय एक्चुअली आर्मेनिया और जो अजरबैजान है वो दोनों एक ऐसा रीज़न है जिसपे ऐसा मानते हैं कि उन दोनों का ही उस पर कब्जा है। ठीक है, इसको देखिए, मैं आपको एक पिक के माध्यम से दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है नागोर्ना काराबाग। ठीक है, ये जो रेड वाला रीजन है ना, यहाँ पे एक्चुअली जब हमारा सोवियत संघ टूटा था, यानी जिसे आज हम मॉडर्न डे में हम रशिया कहते हैं, ठीक है, और ये जब टूटा था तो उस समय जो नागोर्ना काराबाग रीजन था ये अजरबैजान को दे दिया गया था। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस पर जो लीगल राइट जो है इस रीजन पर वो अजरबैजान का है, जबकि आर्मेनिया जो है वो कहता है कि नहीं, ये हमारा रीजन है। ठीक है, ये जो है आर्मेनिया, ठीक है, वो ऐसा कहता है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये लीगल राइट जो है इस रीज़न पे वो अजरबैजान का ही है। ठीक है, तो इसी रीज़न को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, अब क्या है कि जो अजरबैजान है इसको सपोर्ट करता है हमारा कौन? टर्की करता है। ठीक है, टर्की करता है, और ये जो हमारा आर्मेनिया है इसको सपोर्ट करता है रशिया। तो क्या हुआ कि जो अजरबैजान की सपोर्ट में ही टर्की ने आर्मेनिया के एयरक्राफ्ट पे सडन स्ट्राइक कर दी थी, सडन अटैक कर दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये टर्की और आर्मेनिया ये सब न्यूज़ में आ गए थे और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अरब नेशन हैज डिसाइडेड अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट टू द मून इन 2024? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा अरब राष्ट्र है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने 2024 में एक अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट मिशन जो है मून तक ले जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरल्स। ठीक है, देखिए क्या है कि इसके पहले तीन ऐसे विश्व के तीन ऐसे राष्ट्र हैं जो कि मून पे अपना मिशन लॉन्च किए और वो सक्सेसफुली लैंड भी कर चुके हैं। इनमें से पहली कंट्री का नाम है USA, सेकेंड है सोवियत यूनियन, जिसे हम आज के मॉडर्न डे में हम उसे रशिया कहते हैं, और थर्ड है चाइना। ठीक है, और कुछ ऐसे नेशंस भी हैं जिन्होंने कोशिश तो की वहाँ पे लैंड करने की लेकिन वो अच्छे तरीके से मून पे लैंड नहीं कर पाए, लाइक इंडिया, जापान एंड इज़राइल। ओके, तो क्या है कि जो हमारा UAE है, ये अपना एक रोवर उसने बनाया है जो जिसकी मदद से वो मून तक पहुंचेगा, और उसने अपने रोवर का नाम रखा है राशिद। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एंट्रेंस में नेक्स्ट ईयर 2021 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि दूसरी बात की जो हमारा इंडिया है उसने भी इसके पहले एक अपना मून मिशन लॉन्च किया था, आप लोगों को याद होगा, चंद्रयान 2, जो कि 29 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। और कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ हुआ था? दैट वाज GSLV Mark 3। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोवर होता क्या है। जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था उस समय भी कुछ टर्मिनोलॉजीज का जो है यूज़ किया जाता था, लाइक लैंडर, रोवर, और फिर उसके बाद एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटर। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, ये जानते हैं हम। अब ये लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर एक्चुअली होता क्या है, तो इनमें क्या होता है कि देखिए, सपोज करिए यहाँ पर ये हमारा ये मून है। ठीक है,
मून के चारों तरफ जो घूमते हैं, ठीक है, जो भी घूमेगा कोई भी बॉडी अगर घूम रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटर कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटर। उसके बाद जो मून पे आके लैंड करती है, ठीक है, जो बॉडी लैंड करती है मून पे आके उसे हम लैंडर कहते हैं, और जो लैंड करके वहाँ के मून के सरफेस पे वॉक करे, ठीक है, वॉक करे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रोवर, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि चंद्रयान 2 में जो लैंडर रोवर ऑर्बिटर यूज़ किया गया था उसका नाम क्या था। ओके नाउ फ्रेंड्स, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी इस यूएई से रिलेटेड मैंने लिखा था। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यूएई जो है उसकी कैपिटल अबू धाबी है, ठीक है, और वहाँ पे दुबई जो है, दुबई एक ऐसी सिटी है यूएई की जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है। आईपीएल जो है अभी हाल ही में आईपीएल जो है वहाँ स्टार्ट हुआ, और उसको स्पॉन्सर इस बार कौन कर रहा है, वो ड्रीम इलेवन कर रहा है। जो हमारा यूएई है उसके मार्स मिशन का नाम है होप, ठीक है, उसके मार्स मिशन का क्या नाम है, HOPE, होप। ओके, और जितने भी अरब नेशन हैं उनमें से यूएई पहला अरब नेशन बन गया है जिसने अपना खुद अपने खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का सोचा है। ओके, और नेक्स्ट चीज कि जो हम वहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है, दैट इज ऑर्डर ऑफ जायद, ये मोदी जी को दिया गया था, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। और ऑर्डर ऑफ जायद 2 अवार्ड किसे दिया गया है, ये भी वहीं का सर्वोच्च सम्मान है। अब इसे आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताओगे कि ऑर्डर ऑफ जायद 2 अवार्ड किस इंडियन को दिया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज कि पूरे वर्ल्ड में यूएई ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर कैमल्स के लिए पहली बार हॉस्पिटल बनाया गया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन ए हेडक्वार्टर लंदन, ऑप्शन बी नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1977, ऑप्शन सी इंडियन ऑफिस इन कर्नाटक, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट कमीशन एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में नोबेल प्राइज़ पीस के लिए दिया गया था, इसका इंडिया में हेडक्वार्टर कर्नाटक में है, और ये एक ह्यूमन राइट कमीशन है, यानी ये मानव अधिकार के लिए काम करती है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल की एक कमीशन है। आपने सुना होगा कुछ समय पहले जो हमारी उइगर मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है और ये चाइना में पाई जाती है, वहाँ पे काफ़ी बुरा बर्ताव किया जा रहा था उनके साथ, तो उनके लिए भी काम जो है हमारे इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, सॉरी, एक्चुअली मेरी ये पहली वीडियो है तो थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ये देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, आखिर मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात यहाँ पे क्यों करी, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या हुआ है कि यहाँ जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंडिया में जो उसकी जो पार्ट उसका काम करता है, उसके जितने भी अकाउंट्स इंडिया में हैं बैंक अकाउंट्स, उन सबको इंडियन गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। अब उसका रीज़न क्या है, हमारी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने काम जितने भी कर रही है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं कर रही, यानी पारदर्शिता उसमें नहीं ला रही है, वो ठीक से हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश के लिए काम नहीं कर रही है। और उसके विपरीत हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका आर्ग्यूमेंट ये आया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियन पॉलिटिक्स में जानबूझकर इन्वॉल्व हो रही है, और इसलिए हमने उनका जो अकाउंट है इंडियन अकाउंट वो सब सील कर दिया, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये न्यूज़ में आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में रख लिया जाए। अब एक चीज़ और आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, यह आपका होमवर्क होगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरिजन सेवक संघ फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरिजन सेवक संघ फाउंडेशन डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 सितंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 30 सितंबर एंड ऑप्शन ई 26 सितंबर। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 30 सितंबर, ठीक है। अब ये जो हरिजन सेवक संघ है इसकी फॉर्मेशन 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने की थी, और इन्होंने इसकी फाउंडेशन यरवदा जेल में रखा था, जब वो यरवदा जेल में उन्हें ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे उन्हें
बंदी बना दिया था, पुणे में है ये जेल, ओके। और 30 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ठीक है। और इस बार की जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की जो थीम है वो है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर नॉलेज जानना ज़रूरी है। और एक और चीज़ कि ये जो हमारा ट्रांसलेशन डे है इसको यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन माई सहेली टू इन्हांस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स, यानी महिला यात्री जितनी भी होती हैं जो ट्रेन में यात्रा करती हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसने, इनमें से किसने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए इज साउथ ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन सी नॉर्थ रेलवे, ऑप्शन डी सेंट्रल रेलवे एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दी एबव। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ओके फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज साउथ ईस्टर्न रेलवे, ओके। साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक है। और जो हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसके हेड है संजय मोहंती, ओके। कौन है संजय मोहंती, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो ट्रेन है ये बेसिकली वुमेन सिक्योरिटी के लिए ही चलाई जा रही है। जैसे सपोज़ कीजिए अगर कोई वुमेन पैसेंजर है वो कलकत्ता से ट्रेन में बैठी और उसको लखनऊ में आना है, तो जब तक वो ट्रेन में है कलकत्ता से लेकर के लखनऊ तक, जब तक वो ट्रेन में है तब तक उसकी पूरी सिक्योरिटी का ख्याल साउथ ईस्टर्न रेलवे की टीम ट्रेन में रखेगी, ठीक है। और फिलहाल ये जो इनिशिएटिव है ये 3 रेलवे स्टेशन्स के लिए लिया गया है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनके लिए लिया गया है, तो ये 3 रेलवे स्टेशन का नाम है हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल रेलवे स्टेशन, एक है हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड एक है हावड़ा मुंबई स्पेशल। यानी एक चलेगी जो हावड़ा से यशवंतपुर दुरंतो के लिए जो चलती है ट्रेन उनके लिए ये बनाया गया, ये इनिशिएटिव लिया गया, फिर हावड़ा टू अहमदाबाद और एक है हावड़ा टू मुंबई, ओके। और प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में कितने रेलवे जोन हैं वो हैं 18, ठीक है। अभी हाल ही में ये एक बढ़ाया गया है तो टोटल हमारे इंडिया में 18 रेलवे जोन्स अब हो गई हैं, ओके। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेजेंट टाइम में अभी रिसेंटली किसे चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आई थिंक काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होंगे क्योंकि रिसेंटली इसके जो चेयरमैन थे वो अनुपम खेर जी को बनाया गया था, लेकिन अब जो हैं वो कौन बना दिए गए हैं, वो हैं शेखर कपूर जी, ओके। तो इसका राइट आंसर है शेखर कपूर जी, ओके। नाउ एक चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। मैं आप लोगों को बताऊँ, इस साल मैंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का BA का एंट्रेंस दिया था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, दैट इज़ पुणे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ब्रह्मोस मिसाइल, ओके। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किन 2 कंट्रीज ने मिलकर बनाई है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया। अब ये देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जो हमारा ब्रह्मोस लिखा है ना, ब्रह्मोस में से ब्रह्म हो गया इधर से और इधर से मोस, यानी ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब मास्को, जो मास्को एक सिटी है वहाँ की, ठीक है। रशिया की कैपिटल भी मास्को है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म, तो इस तरह आपको आई थिंक याद भी रहेगा कि ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाई है, दैट इज इंडिया एंड रशिया। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मेरे एग्जाम में पूछा गया था, ओके। तो इसके ऑप्शंस हैं रेंज 290 to 450 किलोमीटर, ऑप्शन बी सरफेस टू एयर, ऑप्शन सी क्रूज मिसाइल, ऑप्शन डी इंडिया विथ रशिया एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ द एबव, ओके। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इसमें से करेक्ट नहीं है। अभी देखिए पहला जो ऑप्शन है दैट इज रेंज 290 to 450 किलोमीटर, तो इसके लिए हमारी DRDO की जो टीम है वो काम कर ही रही है,
उसके बाद ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये करेक्ट है या नहीं ये आप मुझे बताओगे। चलिए अभी मैं कुछ देर में आपको आंसर कर ही दूंगी। ऑप्शन सी है क्रूज मिसाइल, राइट है क्रूज मिसाइल है। उसके बाद इंडिया विथ रशिया है, अभी तो मैंने बताया है कि इंडिया और रशिया ने मिलकर इसे बनाया है और ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल ये है ही नहीं, ठीक है। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ओके। क्या है ये एक सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, दैट इज ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन वेडनेसडे बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO, यानी DRDO ने अभी हाल ही में इसका एक टेस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था ब्रह्मोस मिसाइल पे, ठीक है। अब बात DRDO की आ गई है तो ये जान लीजिए कि जो DRDO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, और इसके हेड कौन है, ये हैं जी सतीश रेड्डी। अब एक और आप काम करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि इंडिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मिसाइल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड फॉर 9th कॉन्सिक्यूटिव ईयर इन द ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2020, यानी ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में 20 की जो लिस्ट आई है अभी नाइन्थ एडिशन जो उसका आया है उसमें किस इंडियन ने टॉप किया है। ये तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी सालों से वही टॉप करते आए हैं, जितने भी हमारे इंडिया की रिचेस्ट लिस्ट आती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा वही टॉप करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मुकेश अंबानी जी, ठीक है। नाउ इसमें आप जान लीजिए कि जो हमारा जो रैंक टू आई है, दैट इज रैंक टू इज ऑफ हिंदुजा ब्रदर्स, जो हिंदुजा ग्रुप कंपनी है ना उसके हिंदुजा ब्रदर्स जो हैं वो रैंक टू पे हैं, और रैंक थ्री पे कौन है, शिव नादर, वो कौन है, SCL टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डायरेक्टर ऑफ धन लक्ष्मी बैंक हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई RBI ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक फॉर 2 ईयर्स। इसमें ये पूछा जा रहा है कि किसे धनलक्ष्मी बैंक का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, ठीक है, और वो भी RBI ने अपॉइंट किया है 2 सालों के लिए। तो इसका राइट आंसर है PD वघेला, ओके। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं उसको जान लीजिए। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो मैं बताने जा रही हूँ अभी अपॉइंटमेंट्स, ये सबको पता होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। हमारा जो BHU का BA एंट्रेंस हुआ उसमें से भी जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें से 3 अपॉइंटमेंट्स हमसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी। देखिए पहला है आर्मी चीफ अभी इंडिया के कौन है, दैट इज़ मनोज मुकुंद नरवड़े। ऑप्शन फिर उसके बाद नेवल चीफ कौन है हमारे, वो हैं श्री करमबीर सिंह। एयर चीफ हमारे कौन है, वो हैं श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया। उसके बाद हमारे IB के चीफ कौन है, अरविंद कुमार जी हैं। हमारे BSF के चीफ कौन है, श्री राकेश अस्थाना जी। उसके बाद CRPF के चीफ कौन है, श्री AP माहेश्वरी जी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल ID, यानी पूरे विश्व में ऐसा कौन सा राष्ट्र है जहाँ पे फेशियल वेरिफिकेशन का अब यूज़ किया जाएगा, यानी पहले आपके ID कार्ड्स नहीं दिखाए जाएंगे, पहले आपके फेशियल आपके फेस से ही आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा और वहाँ पे आपके फेशियल वेरिफिकेशन करके ही आपको परमिशन दी जाएगी। जैसे कि ये बेसिकली जो है जिस भी नेशन में ये स्टार्ट किया गया वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज़ सिंगापुर, ओके। तो सिंगापुर पूरे वर्ल्ड का ऐसा नेशन है जहाँ पे फेशियल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। देखिए सिंगापुर इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन फॉर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स विच विल अलाउ सिटीजन्स टू एसेस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी करते हैं एम्प्लॉयज़ उन सब के लिए फेशियल वेरिफिकेशन जो है वो कंपल्सरी कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया, दैट इज़ इन सिंगापुर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, और आज की जो हमारी टॉप न्यूज़ है आज की वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारी है इंडिया बांग्लादेश कंडक्ट ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग अनाउंस टू होल्ड PM लेवल वर्चुअल समिट इन दिसंबर 2020, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी रिसेंटली एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग होने वाली है
पीएम लेवल की, वो हुई दिसंबर 2020 में। उसके बाद जो हमारा नीति आयोग और जो हमारा नीति आयोग है और जो नीदरलैंड की जो एम्बेसी है, ठीक है, दोनों ने मिल के ये प्लानिंग की है कि वो उन्होंने 28 सितंबर 2020 को उन्होंने मीटिंग रखी और ये डिसाइड किया है कि अब इंडिया में डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पे अब ध्यान दिया जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट में कार्बन की मात्रा जो बढ़ गई है उसको जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह लॉन्चेस डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4। ये एक इनिशिएटिव लिया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, दैट इज़ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4, और इसका एम ये है कि डिफेंस के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फॉरन नॉलेज हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, ये आई थिंक हम बचपन से अपने स्कूल में ये गाना गाते आए होंगे, दैट इज़ इतनी शक्ति हमें दे न दाता। तो इसके जो लिरिक्स थे, यानी जिसने इस गाने की लिरिक्स लिखी थी, दैट वॉज अभिलाष। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जान लेना और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म YSR चेबुता स्कीम फॉर वुमेंस लिवलीहुड, यानी ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, टॉपिक डाला नहीं था मैंने, ये है मेरे आंध्र प्रदेश के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी तो मैंने सोचा इसको ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ये है कि पूरे इंडिया में फर्स्ट ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है, उसके बाद जगन्नाथ चेडुडू, जगन्नाथ विद्या दीवाना स्कीम, उसके बाद साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम ई रक्षाबंधन, ये शुरू हुआ है, फिर YSR आरोग्यश्री स्कीम, ये सारी स्कीम्स हैं जो कि आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली स्टार्ट करी गई हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो हमें जानना ज़रूरी है, जो हो सकता है मे भी अभी जो जितने भी इंट्रेंस हो रहे हैं उसमें मे भी पूछी जाए। ओके, तो फॉरन नॉलेज आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको मेरी इस वीडियो में आपको कोई कमी दिखती है या कोई मिस्टेक लगती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में उसे राइट डाउन करें और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपके लिए अपना अच्छा सा अच्छा करने का प्रयास करूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।